साल 1982, दुबई में एक एग्जीबिशन मैच होना था सुनील गावस्कर 11 और इंतखाब आलम 11 के बीच में। एक बेनिफिट मैच जो कि इंतखाब आलम, सुनील गावस्कर, नज़र मोहम्मद और सुभाष गुप्ते के लिए खेला जाने वाला था। गल्फ एयरलाइंस की एक फ़्लाइट दुबई एयरपोर्ट पे उतरी, उसमें इंडियन क्रिकेटर्स भी थे और साथ में कुछ फिल्म स्टार्स। ये वो समय था जब क्रिकेट टीवी से ज़्यादा रेडियो पर मौजूद होता था, लिहाजा क्रिकेटर्स के चेहरे इतने ज़्यादा फेमिलियर नहीं थे। और फिर तो ये दुबई था, यहाँ पर फिल्म स्टार्स को तरजीह दी गई। एक लाइन लगी हुई थी जिसमें आगे क्रिकेटर्स खड़े थे और उनके पीछे फिल्म स्टार्स। कस्टम अधिकारी क्रिकेटर्स को पहचान नहीं पा रहे थे, उन्होंने फिल्म स्टार्स को आगे आने के लिए कहा। ये एक तरह का VVIP ट्रीटमेंट था जो क्रिकेटर्स को पसंद नहीं आया, मगर उनमें से किसी ने भी इसके खिलाफ कुछ नहीं कहा। मगर एक प्लेयर इसके खिलाफ अपनी आपत्ति दर्ज करता है। वो मराठी में अपने साथियों से कुछ सरकास्टिकली कहता है और उसके दोस्त हंसने लगते हैं। कस्टम अधिकारियों ने उस लड़के को किनारे बुलाया और उसे UAE से वापस भेजने का पूरा प्रोग्राम बना लिया। उन्होंने कारण ये दिया कि इस लड़के ने मराठी में कुछ बुरी चीज़ें कही थीं जो उसे नहीं कहनी चाहिए थीं। वो खिलाड़ी वापस चला गया। उसके साथियों ने उसके पक्ष में कुछ भी नहीं कहा, उसने भी माफ़ी मांगने से इनकार कर दिया। दिलीप वेंगसरकर जब 18 साल के थे तो दिलीप ट्रॉफी में खेलने के लिए उतरे। ये वो समय था जब डोमेस्टिक सर्किट में एक तूफान बॉलिंग करता था, वो तूफान जिसके सामने कोई भी बैटिंग करना नहीं चाहता था, पांडुरंग सेलगांवकर। पांडुरंग ने बॉलिंग करते हुए साउथ जोन के खिलाफ एक मैच की दोनों इनिंग्स में 5-5 विकेट लिए थे। साउथ जोन में गुंडप्पा विश्वनाथ और मंसूर अली खान पटौदी जैसे बैट्समैन शामिल थे, लेकिन पांडुरंग ने इन सभी को तहस नहस किया हुआ था। वेंगसरकर एक बेहद नए खिलाड़ी थे। पांडुरंग ने सोचा कि उन्हें छोटी गेंदें फेंककर शुरुआत में परेशान करते हैं। विकेटकीपर विकेट्स के 30 मीटर पीछे जाकर खड़ा हुआ। उसके बाद पांडुरंग ने जितनी भी छोटी गेंदें फेंकी, एक एक करके वो सारी गेंदें बाउंड्री तक पहुंचाई गईं। उस इनिंग्स का हासिल निकला 86 रन। दिलीप वेंगसरकर ने अपना नाम बनाना यहीं से शुरू कर दिया था। इसके एक साल बाद नागपुर में ईरानी ट्रॉफी के दौरान वेंगसरकर को बिशन सिंह बेदी और इरापल्ली प्रसन्ना को आगे बढ़ बढ़ के छक्के मारते हुए देखा गया। ये दो वो बॉलर्स थे जिन्होंने दुनिया के बेहतरीन बैट्समैन को अपनी बॉलों पे नचाया था, लेकिन उस दिन दिलीप वेंगसरकर इन दोनों को बिना सोचे समझे मार रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे एक बहुत शानदार, एक बेहद प्रोफेशनल बैट्समैन नौसिखिए बॉलर्स को मार रहा है। इस मैच के दौरान कमेंट्री बॉक्स में बैठे हुए थे लाला अमरनाथ। दिलीप वेंगसरकर की बैटिंग देखकर उन्होंने दिलीप की तुलना कर्नल CK नायडू से करी और इसी वजह से वेंगसरकर को कर्नल के निकनेम से बुलाया जाने लगा, वो निकनेम जो वेंगसरकर को खुद कतई पसंद नहीं था। दिलीप वेंगसरकर को दुनिया के दो मैदान बेहद पसंद हैं, पहला लॉर्ड्स और दूसरा दिल्ली का फिरोजशाह कोटला। वेंगसरकर ने लॉर्ड्स पर 3 मैच खेले, तीनों ही मैचों में सेंचुरी मारी। उनका सबसे पहला मैच जो लॉर्ड्स पर था, उसकी पहली इनिंग्स में उन्होंने 0 रन बनाए, लेकिन अगली ही इनिंग्स में उन्होंने शानदार शतक मारा। इसी तरह से फिरोजशाह कोटला में उन्होंने 4 शतक मारे, जिसमें से 3 तो सिर्फ वेस्ट इंडीज़ के ही खिलाफ थे। दिलीप वेंगसरकर ने 24 जनवरी 1976 को इंडिया के लिए खेलना शुरू किया। गुंडप्पा विश्वनाथ और सुनील गावस्कर के साथ मिलकर वो टीम इंडिया की बैटिंग लाइनअप के लिए ढाल बने। टेस्ट मैचों में वेंगसरकर का एवरेज 42 का रहा। मिड 80s के दौरान टॉप बैट्समैन की लिस्ट में वो टॉप पर रहे। वेंगसरकर ने इंडिया की कप्तानी करी और पहले ऐसे इंडियन टेस्ट क्रिकेटर बने जिसने 100 टेस्ट मैच खेले। क्रिकेट के ऐसे ही किस्से हम आपको सुनाते रहेंगे, ऐसी शख्सियतों से हम आपको मिलाते रहेंगे। मेरा नाम है केतन, आप देख रहे हैं dlallantop.com।